नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशंस एंड डेटा एनालिसिस, जिसमें एडवांस एक्सेल, वीवीएम मैक्रो, एमएस एक्सेस, डैशबोर्ड, सीक्वल, टैबलू एंड बीआई टूल्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज बीआई टूल्स के बारे में। पिछले वीडियोज में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बीआई टूल्स में हम डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं गेट डेटा की मदद से। एक्सेल पे हमने क्लिक किया और हमने गेट डेटा की मदद से हमने अपना डेटा डाल दिया। अब यहाँ पे डेटा क्या डाला हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। हमारे सामने एक सेल्स का डेटा डाला हुआ है। तो अब ये डेटा जो आया हुआ है, ये लिंक है हमारे डेटाबेस से, मतलब कि आप इसके रिकॉर्ड्स में किसी भी तरह की चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको लगा कि यहाँ पे कुछ फिगर गलत है तो मैं सही कर दूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा हेडिंग में प्रॉब्लम है, जैसे कि डॉट, जैसे बहुत सारी चीजों में वेबसाइट पे डॉट नहीं लगना चाहिए, तो जस्ट इस पर डबल क्लिक कीजिए और अपना हेडिंग को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हेडिंग आपका डिलीट हो गया, पर डेटा में किसी तरह की चेंजिंग आप नहीं कर सकते। तो हम डेटा को हेडिंग चेंज करने के बाद हम बात कर रहे हैं डेटा को थोड़ा सा समझने, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें डेटा को समझना, एनालाइज करना जरूरी होता है, तभी हम उस पर अपना कोई रिपोर्ट बना सके। तो आप जो डेटा देख रहे हैं, तो डेटा जो है हमारे पास सेल्स का डेटा है, जिसमें हमारा क्वार्टर है, जोन है, ये आपका डेट है, किस डेट को सेल हुआ है, किस सिटी में सेल हुआ है, और हमारे सेल्स मैनेजर कौन है, सेल्स पर्सन कौन सा है, हमारा कस्टमर की कैटेगरी क्या है, और कस्टमर का हमारा जेंडर क्या है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी की, कितनी एमआरपी पे और कितने अमाउंट पे उन्होंने लिया हुआ है। सिंपल सा डेटा है। अब हमें इसको रिपोर्ट जनरेट करना है, तो ऊपर आप देख रहे हैं रिपोर्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम रिपोर्ट पे आ जाएंगे, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक चार्ट, दो तरीके हैं कि हम पहले अपनी कैटेगरी लेते कि मुझे चाहिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक तो क्वांटिटी लिया और इस पे हमने इसको क्लिक कर दिया, राइट। ये हमारा क्वांटिटी का ओवरऑल है यहाँ पे। फिर हमने वापस हम अमाउंट लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फिगर होता है ना, इस थोड़ा सा आपकी कॉलम जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, यहाँ पे अल्फाबेटिकली शॉर्ट होता है, जैसे पिवट में होता है ना कि आपका डेटा फील्ड के अकॉर्डिंग होता है, सो नहीं। और यहाँ पे मैंने इसको ये चेंज कर दिया यहाँ पे, राइट। तो हमारा क्वांटिटी 90K है और हमारा तो इसको छोटा बड़ा हो गया, छोटा कर दीजिए, जहां से पकड़िए छोटा कर दीजिए, और हमारा सेल्स जो है 45 M है, मिलियन है, राइट। उसके बाद चलिए हम प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ से हम लेते हैं प्रोडक्ट। एक तो हो गया कि आप पहले फील्ड को क्लिक करते हैं या ड्रॉप करते हैं और फिर आप चार्ट के सिलेक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लस्टर चार्ट को लिया और इस क्लस्टर चार्ट में हमने अपने प्रोडक्ट को ड्रॉप डाउन कर दिया, प्रोडक्ट, और हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिया, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बड़ा करते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हम इसी में अपना कंट्रीब्यूशन चाहते हैं कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ से अमाउंट को यहाँ रखते हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं इसमें, और किसके हिसाब से चेंज करना है, तो हमें प्रोडक्ट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन चाहिए कि क्या कंट्रीब्यूशन है।
उसके बाद सेम हमें क्वांटिटी पे कंट्रीब्यूशन चाहिए, किसके हिसाब से, तो हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से, और ये भी हम इसमें ले लेते हैं, चाहे इसमें ले सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे हमारे जो सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग, सेल्स मैनेजर नहीं, सेल्स पर्सन, हाँ सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक चार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए टी मैप चार्ट ले लेते हैं, किसके हिसाब से, हमने अमाउंट को ले लिया या फिर अमाउंट ले लिया, और इसको यहाँ तक हम ट्रैक कर देते हैं। बैक टू रिपोर्ट, उसके बाद हम यहाँ पे अपना सिटी लेते हैं, और सिटी में हम मान लीजिए अपना क्वांटिटी डालते हैं, तो सिटी मेरा ऑलरेडी आपने देखा कि सिटी का ऑलरेडी जियोग्राफिकल चार्ट आ गया। जियोग्राफिकल चार्ट आने का रीजन ये था क्योंकि मेरा जो सिटी था वो सिटी इंडिया का था, इसलिए यहाँ आना जरूरी है, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। हाँ, तो इसको ऐसा रखना, रख दीजिए, और मुझे यहाँ पे अपने जो हमने जो रिपोर्ट बनाया, इस रिपोर्ट के ऊपर हमें एक कैप्शन चाहिए, एक टाइटल चाहिए, तो उसके लिए हम यहां आते हैं, शैप्स में इमेज है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहां लिख देते हैं कि सेल्स डैशबोर्ड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी साइज को आप बड़ा, इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कीजिए और साइज को यहाँ से बड़ा कर दीजिए, इसे 40 कर दीजिए, आप इससे भी ज़्यादा करना है इससे ज़्यादा कर दीजिए, और मैंने इसको मिडल में कर दिया, और अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन भी हमने कर दिया, और इसको जगह पे रख दिया। ये आपका रिपोर्ट हमारा बन के तैयार है। तो इस सेल्स डैशबोर्ड में देखिए हमने कितने कम टाइम में, 5 मिनट में ही एक अच्छा खासा, एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड हमने बीआई टूल से तैयार कर लिया हुआ है। अब इसको पब्लिश करना है, तो आप पब्लिश जो है आप कर सकते हैं, फिलहाल तो ये आपका डेस्कटॉप पे सेव हुआ। अब यहां पे मुझे अपना बीआई पावर इसको सेव करना पड़ेगा, फिर जाके ये हमारे जो बीआई हमारा जो वर्चुअल स्पेस है उस पे जाके सेव हो जाएगा, या फिर इसको हम एज ए टेम्पलेट के तौर पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हो गया,
अभी रिपोर्ट आप किसी को भेज सकते हो जिसके पास अगर पावर पिवट है, वो इस रिपोर्ट को देखिए यहाँ पे, इस रिपोर्ट को इजीली खोल के देख सकता है अपनी रिपोर्ट्स को। राइट तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहे बीआई टूल्स के ट्रेनिंग पे, हम नए नए वीडियोज अपलोड करेंगे। लेकिन आप चाहेंगे कि मेरी पूरी की पूरी वीडियोज यूट्यूब पे है अपलोडेड, तो आपको उस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एडवांस एक्सेल, वीवीएम माइक्रो, एमएस एक्सेस, डैशबोर्ड, टैबलू एंड बीआई टूल्स पे। तो अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं www.iptindia.com पे जाके, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अभी पे आप पहले दो चार क्लास डेमो लेके देखें, अच्छा लगा तो फिर आप कोर्स को एनरोल करें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और डेमो क्लासेस आपको लेना है तो फॉर्म पे भर दिए, अगर फॉर्म पे डेमो क्लासेस भरने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी एंड अपना डेट, किस दिन को डेमो चाहिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं।